शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, लेकिन फिर भी शिक्षक का महत्व नहीं समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। पिछले 15 सालों में शिवराज सरकार ने शिक्षकों को पढ़ाने की बजाय सरकारी कामकाज में लगा रखा था। इतना ही नहीं बल्कि बच्चों को भी पढ़ाने की बजाय नेताओं के रैलियों में खूब घसीटा गया, जिससे कई बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। यही श्राप शिवराज सिंह चौहान को लगा और सत्ता का सुख खो दिया। आपको बता दें कि आज धार जिले के सैकड़ों शिक्षक की एक सभा आयोजित की गई, जिसमें शिक्षक कांग्रेस संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश तिवारी ने समस्त शिक्षकों को संबोधित किया। तिवारी ने कहा कि अब हम कमलनाथ सरकार में हमारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि उन्होंने कमलनाथ सरकार को अच्छा बताते हुए कहा कि इस सरकार में शिक्षकों को स्थानांतरण की खुली छूट है। शिक्षक जहां जाना चाहता है वो वहां जा सकता है, जो पिछले 15 सालों से नहीं थी। संगठन प्रभारी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। आज ये मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की संभाग स्तर की बैठक धार में आयोजित थी। डॉक्टर स्मृति रत्न हमारे संभागीय अध्यक्ष हमारे साथ हमारे प्रदेश के साथ उपस्थित थे। हम लोगों ने जो वचन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कमलनाथ जी ने सरकार के लिए बनाया था, उसकी पूर्ति के लिए हम सब जगह जा करके शिक्षकों का जागरण करेंगे और निश्चित रूप से जो वचन पत्र में उल्लेखित है सहायक शिक्षकों जो प्रमोशन नहीं हुआ वर्षों से, या तो वो बदनाम दे गए पदोन्नति के आधार पर उच्च वेतन मांग के आधार पर, और या फिर वो शिक्षकों के प्रमोशन करें अधिकारियों की भांति, ई अटेंडेंस माफ की जाए, शिक्षकों से विभाग के काम जो लिए जा रहे हैं वो बंद किए जाए, शिक्षकों की नियुक्तियाँ समय पर की जाए और निश्चित रूप से गैर विभागीय सरकार ने किस प्रकार से शोषण किया है शिक्षकों का। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं जरूर पिछली सरकार में 15 वर्ष तक लोगों ने संघर्ष किया। आपको मालूम होना चाहिए कि 2008 से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, अति शिक्षकों के माध्यम से अध्यापन सरकारी स्कूलों में कराया गया, अति शिक्षकों की नियुक्तियाँ भी कभी जनवरी कभी जुलाई में कभी अगस्त में कभी सितंबर में की गई। मेरा ख्याल है कि प्रदेश में 3000 मॉडल स्कूल खोले गए, वहाँ शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं की गई। इस तरीके से निश्चित रूप से पिछली सरकार ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, प्राइवेट स्कूलों का बढ़ावा दिया और सरकारी स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र अधिकारियों द्वारा किया गया। अब ऐसा नहीं होगा, हम ये चाहते हैं। कमलनाथ सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? कमलनाथ सरकार ने जो वचन पत्र बनाया हम लोगों के माध्यम से कि गुणवत्ता शिक्षा की आएगी, समय पर स्कूल लगेंगे, शिक्षकों का सम्मान होगा, अध्यापकों का संविलियन होगा, उनको उनके पद के रूप वेतनमान मिलेगा, इस प्रकार वचन पत्र में जो उल्लेखित किया गया है उस कर्मचार इस मन से एक शिक्षक ने अभी ये कहा था कि अभी कमलनाथ सरकार बनने के बाद शिक्षकों के बारे में कुछ भी अभी तक नहीं बोला गया है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि कमलनाथ सरकार बनने के बाद जो 15 वाल से स्थानांतरण नहीं हो रहे थे, तत्काल कमलनाथ जी ने स्थानांतरण खोले और आज शिक्षक खुश हैं कि वो अपने जिले में चले जाएंगे। उन्होंने आदेश दिया कि शिक्षकों से गैर शिक्षित काम न लिया जाए, जो कलेक्टर गैर शिक्षित काम लिया जाएगा उस कलेक्टर को निश्चित रूप से नोटिस दिया जाएगा और शिक्षकों की भर्ती जुलाई माह में ही कर ली जाए, तो भर्ती शिक्षकों की ये 3-4 प्रकार के जो आदेश हैं उसे शिक्षकों ने हर्ष जाप है और पूरी अपेक्षा है कि वचन पत्र में जो लिखा हुआ है शिक्षकों की जो भी हम शिक्षक कांग्रेस के सदस्यता अभियान के लिए निकले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक कांग्रेस से जुड़ें और वचन पत्र पूरा होने की प्रतीक्षा करें।